गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं रितु गंदोड़िया, पांचवी की गणित के लिए आज हम प्रश्नावली 2 के आगे के क्वेश्चन हल करेंगे। आई होप आप लोगों ने पहले के क्वेश्चन अपनी कॉपी में लिख लिए होंगे और समझ लिए होंगे। आगे के प्रश्न भी लिखें, समझें और फिर हल करें। प्रश्न 1 का पांचवा, 5000 माइनस 2552। यहाँ देखिए, जब जीरो होता है आगे तो हम क्या करते हैं, यहाँ जीरो से उधार लेते हैं। जैसे ये जो संख्या है जीरो, इससे एक संख्या उधार लेंगे। यहाँ भी जीरो है तो यहाँ से एक उधार लिया तो ये जीरो की जगह क्या बन गया, 10। 10 में से 2 गए तो क्या बचे, 8। जीरो से एक उधार ले लिया तो बचे क्या यहाँ पर, 9। 9 में से 5 गए 4। यहाँ भी जीरो से ये इधर एक उधार लिया तो यहाँ बचे 9। 9 में से 5 गए 4 और यहाँ 5 की जगह क्या बचा, 4। 4 में से 2 गए 2। वापस देखिए, जीरो, जीरो से 2 घटा नहीं सकते क्योंकि जीरो छोटा है और 2 बड़ा है। हमेशा बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाया जाता है। तो यहाँ पर एक उधार लिया तो यहाँ हो गया 10। 10 में से 2 गए 8। इससे एक यहाँ उधार ले लिया तो जीरो की जगह एक कम हो गया, तो जीरो से एक कम क्या होता है, 9। 9 में से 5 गए तो 4। इधर वापस ये आगे से आगे क्रम बढ़ता जाएगा। यहाँ भी जीरो से ये संख्या नहीं जा सकती। इधर एक उधार ले लिया तो यहाँ क्या बचा, 9। 9 में से 5 गए 4। इधर भी 5 में से इधर एक एक उधार लेते गए तो हम यहाँ क्या बचा, 5 की जगह पर 4। 4 में से 2 गए तो 2। उत्तर क्या है इसका, 2448। इसी तरह अगले क्वेश्चन में कर दें, यहाँ ऊपर बड़ी संख्या है तो 8 में से 3 गए तो क्या बचते हैं, 5। 8 में से 3 गए तो 5। आप इनको उंगलियों में भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 में से 5 चले गए, 1 2 3 4 5 गए तो बचे क्या, 1 2 3। कितने बचे, 8 में से 3 गए, सॉरी 3 गए तो 1 2 3 4 5 बच रहे। जीरो में से 0 गए तो 0 ही बचेगा, फिर 8 में से 3 गए तो 5 और 8 में से 5 गए तो 3। तो इसका उत्तर हो गया हमारे 3505। अब इसके आगे के ये दोनों क्वेश्चन आप लोग हल कीजिएगा। सातवां, 9421 माइनस 8372 और आठवां है 8521 माइनस 7372। ये दोनों आपको हल करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जोड़िए पहला 8725 और 907 को हमें जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए हमेशा संख्या को इस तरह वर्टिकल रूप में लिखना है। इसका हल करेंगे, यहाँ लिखेंगे हल, 8725। और यहाँ 3 संख्या ही है तो हम ये यहाँ लिखेंगे, 7 की जगह ये, 0 की जगह ये और ये स्थान खाली है और इनको क्या करना है, हमें प्लस करना है। 5 और 7 12 12 का 2 हासिल लागी 1, 2 और 0 2 2 और 1 3, 7 और 9 16 का 6 हासिल लागी 1, यहाँ कुछ नहीं है तो 8 और 1 9। उत्तर क्या आ गया इसका, 9632। इसका थर्ड, इसका सेकेंड आपको करना है, 7865 और 2107 को जोड़ना है। थर्ड 5113, 1999 और 638 को क्या करना है, जोड़ना है। अब जोड़ने के लिए वही, हम इसको क्या करेंगे,
वर्टिकल फॉर्म में लिखेंगे। ये 5113, 1999 और 648, इन तीनों को जोड़ेंगे। ये देखो सबसे पहले 3 और 9, 3 और 9 कितने हो गए, ये 3 तो अपने हाथ में है, 9, ये 5 और 4 9, 3 के बाद गिनो आप कितने हो गए, 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 9 और 3 कितने हो गए, 12 में 8 जोड़े तो 20, 20 का 0 80 लगी 2। अब इनको जोड़ो, 9 और 1 10, 10 और 3 13, 13 में 2 जोड़े तो 15, ऊपर कितने हासिल करे 1। अब वापस जोड़ो, 9 और 1 10, अब तीसरी वाली लाइन को जोड़े, 9 और 1 10, 10 और 6 16, 16 और 1 17 का 7, हासिल लगी 1, 5 और 1 6 और हासिल का वो 20 में जोड़ना है, तो आंसर आ गए 7750। तो क्या आ गया, 7750। इसका अगला वाला क्वेश्चन भी आपको हल करना है, ये मैं यहाँ लिख देती हूँ आपको, 4 8999 और 1001 को क्या करना है, जोड़ना है बच्चों। यहाँ जोड़ने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, केवल संख्याओं को किस तरह योग करना है और किस तरह नंबर लिखने हैं यह आपको आना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन है, घटाइए, क्वेश्चन नंबर थ्री घटाइए। पहला है 3944 में से 840 और इसका एक और थर्ड सेकंड में यहाँ देखती थी, क्वेश्चन लिख लेते सारे पहले, 4817 में से 2407, 6000 में से 4999 और 4 8 3 4 4 में से 7986 ये घटाना है। अब यहाँ देखिए वही हल करेंगे तो हम इसको कैसे लिखेंगे, लंबवत लिखेंगे, वर्टिकल 3944 घटाना क्या है, 840 ये 8 4 0 माइनस करेंगे 4, 4 में से 0 गए तो क्या बचेंगे, 0 यदि किसी संख्या में से जाता है तो क्या बचता है बच्चों, वापस वही संख्या बचेगी, 4 में से 0 गए तो बचे 4, 4 में से 4 गए तो बचे 0, 9 में से 8 गए तो बचे 1 और 3 की जगह यहाँ नीचे कुछ नहीं है तो क्या आएगा 3104, तो क्या हो गया 3104। अगला प्रश्न देखो, 4817 में से 2407 को घटाना है। सबसे पहले सात, इधर से हमेशा घटाने का काम इकाई के स्थान से करना है, 7 में से 7 गए तो बचे 0, 1 में से 0 गए तो बचे 1, 8 में से 4 गए तो बचे 4, 4 में से 2 गए तो बचे 2। दो हजार चार सौ दस
आपको समझ में आया होगा। इसके बाद के थर्ड और फोर्थ ये आपको खुद हल करने हैं। क्वेश्चन नंबर फोर, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर, चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या का योगफल सबसे बड़ी संख्या होती है 9999 और तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999। इन दोनों को क्या करना है? योग करना है। तो यहां लिख देते एक बार इनको, नौ नौ अठारह का आठ, हासिल का एक, नौ नौ अठारह और एक उन्नीस का नौ, हासिल का एक, नौ नौ अठारह और एक उन्नीस का नौ, हासिल का एक, नौ और एक दस। तो उत्तर क्या है इसका? 10998। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। प्रश्न एक से चार आप कॉपी में हल कीजिए। धन्यवाद।